हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट डिलाइट। आज मैं आटा गूंदने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी आपको। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम आटा ले लेंगे। दो बोल आटा लिया है मैंने, जितना नमक चाहिए वो उसमें डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद एक बोल पानी डालकर अच्छे से इस तरह से स्पून से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हो। इस तरह से आटे को पानी से भिगो के रखने से नीड करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल आसान हो जाता है और कम नीड करना पड़ता है, यानी ज़्यादा आपको गूंदना नहीं पड़ता है। मिक्स करने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट तक ढक कर रख देंगे। अब 15-20 मिनट हो चुके हैं तो पहले आटे को चेक कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके आटा गूंद लेंगे। या आप जो इसको भिगो के रखते हो उस टाइम पे आप बाकी जो काम है किचन के वो कर सकते हो, जैसे कि सब्जी काटना या दूध गर्म करना। तो इससे हमारी मेहनत भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। अब आखिर में हम तेल लगाकर गूंद लेंगे। इस मेथड से हमारा 70-80% टाइम और एनर्जी सेव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।